इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। उत्तराखंड में एक बार फिर बारिश, बादल फटने और अचानक आई बाढ़ की वजह से तबाही मची है और भयानक मंजर देखने को मिल रहा है। राज्य के कई हिस्सों में इस नई प्राकृतिक आपदा में मरने वालों का आंकड़ा 47 तक पहुंच गया है। अकेले नैनीताल में 25 लोगों की मौत हुई है, तमाम लोग लापता है। कुमाऊं में पानी का स्तर कम हो रहा है लेकिन रास्ते खुलने में अभी वक्त लगेगा। बड़ी संख्या में लोग जगह जगह फंसे हुए हैं। SDRF, NDRF और पुलिस की टीमें लोगों के रेस्क्यू में जुटी हैं। उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार ने कहा है कि हजारों लोगों को अब तक सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। गढ़वाल में हालात कुछ सुधरते नजर आ रहे हैं, बंद पड़े रास्तों को एक बार फिर से खोला गया है। कल से चारधाम यात्रा शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो इस वक्त उत्तराखंड में भारी बारिश, बाढ़ की वजह से भयानक मंजर वहां पर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से, देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है, लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। लोग जहां तहां फंसे हुए हैं क्योंकि ये बेमौसम अचानक बारिश आई, बाढ़ आई, उसके बाद बादल फटने की भी घटना हुई जिसकी वजह से इलाके में काफी तबाही मची है। रामनगर की तस्वीर आप देखिए, रेस्क्यू में सेना वहां पर जुटी हुई है। जो लोग फंस गए थे उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है, उन तक मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। पंतनगर की तस्वीर भी आप देखिए, वहां पर भी जो लोग फंसे उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। जंगल में भी कई लोग फंस गए थे जो कि तीर्थ यात्रा पर निकले थे। और इस पूरे हालात पर, स्थिति पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर चिंता जाहिर की है। बारिश के कारण लोगों की जान जाने से मैं व्यथित हूं, जो घायल हुए हैं वो जल्द स्वस्थ होंगे। प्रभावित लोगों की मदद के लिए बचाव कार्य जारी है, मैं सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं।